स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट ENV एंड लेसन 9 फूड। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, यस। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर, ये लड़की क्या कर रही है पिक्चर में। यस, खाना खा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटिंग। फिर है व्हाट इज द मदर डूइंग इन द पिक्चर, मदर क्या कर रही है। कुकिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कुकिंग। व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों है। वी नीड फूड टू लिव, तो हमें जीने के लिए फूड की जरूरत है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, फूड हमें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव, खाना जो होता है वो हमें हेल्दी और एक्टिव रखता है। फिर है फूड, तो वो हमें यहाँ पे देखो आपको दिया है, वो क्या क्या देता है फूड हमें। गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए और वर्क करने के लिए। फिर है मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। फिर है हेल्प्स अस ग्रो, हमें बढ़ने में भी मदद करता है। फिर है हेल्प्स अस फाइट इलनेस एंड स्टे फिट, वो हमें हेल्प करता है ताकि हम बीमारियों से बचे रहे और हमारा बॉडी फिट रहे। फिर है टाइम टू आंसर, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वंस, जो सही है उसमें टिक करना है और जो गलत है उसमें क्रॉस करना है। हेल्थी फूड मेक्स अस सिक, जो हेल्दी फूड होता है वो हमें बीमार बनाता है। नो, तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस। फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, जो फूड है वो हमें खेलने के लिए एनर्जी देता है। यस, तो इसमें टिक करेंगे। वी कैन लिव विदाउट फूड, हम खाने के बिना रह सकते हैं। नो, तो यहाँ पे क्रॉस। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, जो खाना है वो हमें बढ़ने में हेल्प करता है। यस, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। फिर है मील टाइम्स, मतलब हम दिन में कितने बार खाना खाते हैं। 3 times खाते हैं ना, यस। तो उसमें जो सबसे पहले सुबह जो हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। तो आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाता हूँ। इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो ब्रेकफास्ट है वो दिन का फर्स्ट मील है। फिर सेकेंड पिक्चर, आई ईट लंच इन द आफ्टरनून, वो लंच कब करता है, आफ्टरनून यानी कि दोपहर को। आई ईट लंच इन द आफ्टरनून। फिर है आई ईट डिनर इन द इवनिंग, वो डिनर कब करता है, इवनिंग यानी कि शाम को। लेट अस डू, आशा वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हर फ्रेंड्स, आशा है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई थी। दीज आर सम ऑफ द फूड आइटम्स शी शेयर्ड विथ देम, तो वो यहाँ पे ऐसे कुछ फूड आइटम दी है वो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी। Write the names of the food item below each picture. तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं फूड के,
उसके नेम लिखने हैं। तो ये सबसे पहला किसका पिक्चर है? ये बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बनाना, बी ए एन ए एन ए। फिर है एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल। फिर ये किसका पिक्चर है? केक का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सी ए के ई, केक। फिर किसका पिक्चर है ये? बर्गर का, बी यू आर जी ई आर, बर्गर। फिर ये ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। फिर है कॉर्न, सी ओ आर एन, कॉर्न। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। I eat breakfast in the morning. I eat blank in the afternoon. Afternoon में हम क्या करते हैं? Lunch. तो यहाँ पे हम लिखेंगे lunch. Third, I eat blank in the evening. तो हम evening में क्या करते हैं? कौन सा meal लेते हैं? Dinner. तो यहाँ पे लिखेंगे dinner. The meal we eat late in the morning, which combines breakfast and lunch, is called brunch. ऐसा खाना जो हम सुबह देर से खाते हैं और जो afternoon का होता है वो जल्दी खा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Brunch. Food we get from plants and animals. We get food from both plants and animals. हमें दोनों में से खाना मिलता है, हमें plants में से भी मिलता है और animals में से भी मिलता है। Food we get from plants. We get rice, wheat, nuts, fruits and vegetables from plants. तो हमें plants में से क्या क्या मिलता है? Rice, wheat, nuts, fruits and vegetables. फिर है food we get from animals. ऐसा खाना जो हमें animals में से मिलता हो, कौन से है? Animals also gives us food. Animals भी हमें food देता है. We get food like milk, meat, fish and eggs from animals. तो हमें animals में से milk, meat, fish और eggs मिलता है. Now we do question E. Answer the following questions. First, why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? We need food to live. हमें खाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें जीना है, इसलिए। नेम थ्री मील्स ऑफ अ डे। दिन के थ्री मील्स के नेम लिखने हैं। कौन से है? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फिर है थ्री, नेम एनी थ्री फूड आइटम। कोई भी थ्री नेम लिखने हैं फूड आइटम के। दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं, जो एनिमल्स में मिलते हैं एनिमल्स में से, उसके हमें कोई थ्री नेम लिखने हैं। फर्स्ट है मिल्क, मीट एंड एग्स। मिल्क, मीट एंड एग्स। फिर है फोर, नेम एनी थ्री फूड आइटम्स। कोई भी थ्री फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं। दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स में से मिलती हो ऐसी। राइस, नट्स एंड फ्रूट्स। राइस, नट्स एंड फ्रूट्स। नाउ फाइव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या डिफरेंस है? वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग।
एंड लंच इन दी आफ्टरनून। तो जो ब्रेकफास्ट है वो हम सुबह करते हैं और लंच है वो दोपहर को करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में।